हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इनक्लाइन ब्यूटीज़। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केवल एक सेफ्टी पिन के साथ बॉर्डर वाली साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करना सिखाऊंगी। तो आज की साड़ी को ड्रेप करने के लिए मैंने शेप पियर वाला पेटीकोट पहना हुआ है। आप में से जो लोग भी इसको ट्राई करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसकी परचेस डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको साड़ी का पल्लू अपनी राइट हैंड के तरफ करना है और फिर साड़ी को सीधा करते हुए इसकी जो कॉर्नर टक करने वाली है उसको आप राइट हैंड साइड पर टक कर लीजिए और फिर हल्का सा टाइट घुमाते हुए आप अपनी राउंड को कम्प्लीट कीजिए। अगर आप यहाँ पर साड़ी की राउंड को थोड़ा फिटिंग नहीं करोगे ना, तो फिर शेप पियर वाली पेटीकोट पहनने का कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन मैं आप सभी की दूर कर देती हूँ कि साड़ी पहनने के लिए क्या स्लीपर पहनना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप विदाउट स्लीपर भी बस आप साड़ी की लेंथ जो है ना वो अपनी एड़ी को अच्छे से कवर करके कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे लेंथ आपको एड़ी तक रखनी है और उसके बाद आप अपनी फर्स्ट स्टेप जब कंप्लीट कर लेते हो तो सेकेंड स्टेप हमेशा आपकी पल्लू की पार्ट को इस तरीके से घुमाकर प्लीट्स अरेंज करना होना चाहिए। तो पल्लू में जैसे कि यहाँ पे आपको दो बॉर्डर दिख रही है, तो साड़ी का जो सबसे नीचे वाला बॉर्डर है ना, हम यहाँ से प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी राइट हैंड की उंगलियों को अपनी बॉर्डर पे इस तरीके से फिक्स करेंगे कि हमें कितनी चौड़ाई की प्लीट चाहिए, उस तरीके से उंगलियों को फैला कर इस पर डाल देंगे। अब इस हिसाब से हम पीछे की प्लीट को उतनी ही चौड़ी रखेंगे जितने में कि वो फर्स्ट वाली प्लीट के पीछे आराम से हाइड हो जाए। बस कॉर्नर से वो दिखाई नहीं देना चाहिए हमने जो फर्स्ट प्लीट बनाया है। और अब यहाँ पे लास्ट वाली जो बॉर्डर है इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पतला कर दिया है ताकि जो हमारा प्लीट है वो अच्छी तरीके से फर्स्ट प्लीट के पीछे कवर हो जाए। तो यहाँ पर प्लीट आपकी लास्ट वाली, अगर मान लीजिए ज़्यादा कपड़ा बच रहा है, चौड़ी प्लीट में वो बन रहा है, तो आप लास्ट की सेकेंड प्लीट को चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ग्रिप के लिए एक कपड़े सुखाने की क्लिप यूज़ की है। आप इसको एक हेल्पिंग टूल की तरह भी ले सकते हो। जो बिगनर्स होते हैं उनको ये काफ़ी हेल्प करती है साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करने में, तो आप अपने पास ऐसी हेल्पिंग टूल ज़रूर रखिए। और अब जब आपको इसको अरेंज करना होगा तो बस हल्की हल्की डिस्टेंस में लेकर इसको अरेंज करते चलिए। तो अगर आप बिगनर हो ना, तो आप केवल एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि साड़ी आपको भले ही कितनी भी ज़्यादा लंबी क्यों ना लगे, लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ड्रेप करना शुरू करोगे तो वो साड़ी कब आपकी ड्रेप हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और एक परफेक्ट फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो साड़ी के फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम उसकी पल्लू की लेंथ को डिसाइड करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सिल्क की साड़ी है तो आप हमेशा पल्लू को लॉन्ग ही रखिए। लॉन्ग पल्लू सिल्क की साड़ी में आपको एक रिच लुक तो देती ही है, साथ ही साथ आपकी हाइट को भी काफ़ी अपीयरेंस आपकी लॉन्ग कर देती है। तो अब यहाँ पे देखिए, साड़ी की पल्लू को तो हमने सेट कर दिया है, लेकिन ये कब तक इस तरीके से सेट होगा उसकी अभी गारंटी नहीं है। उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शंस हैं। या तो आप इसी तरीके से पल्लू सेट करके इसको आयरन कर सकते हो, या फिर आप इसको छोटे छोटे बॉक्स में इस तरीके से फोल्ड करके हाथों से प्रेस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन से ज़्यादा बेटर है और बेस्ट है ये सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको ना कहीं पे प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई अच्छा फिर से स्पेस बनाकर उसमें आपको प्लीट्स ऐसे रख कर आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खड़े खड़े ही ये काम कर सकते हो। अब आपकी जब जो पल्लू होगी उनकी प्लीट जब परफेक्टली सेट हो जाएगी तो आप इसको अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ ये लेंथ ना आपके घुटने से नीचे तक आनी चाहिए, ये होती है परफेक्ट लेंथ। अब देखिए हम इसको अपने कंधे पे कैसे रखते हैं, कहाँ पिन लगाते हैं। आपकी प्लीट की चौड़ाई चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी शोल्डर का जो एंड होता है ना उसको कवर करना चाहिए वो, तभी आपका जो लेफ़्ट साइड का बर्स्ट होगा वो परफेक्टली हाइड हो पाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी ब्लाउज़ की जो स्लीव होती है आप उसको ध्यान मत दीजिए। आप केवल और केवल अपनी बॉडी को, आप अपनी बॉडी के जो शोल्डर है उसकी एंड को फोकस कीजिए और फिर जहाँ पे आपको नीड हो रही है पिन लगाने की आप वहाँ लगा दीजिए। अब क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो अब हम जो भी यूज़ करेंगे वो होगा एक साड़ी क्लिप।
ये एक्स शेप का एक साड़ी क्लिप है जो कि आपकी फेवरेट साड़ी को डैमेज होने से बचाएगा। इसमें ना तो कोई भी अननेसेसरी आपकी साड़ी में होल होगी और ना ही आपकी जो सेफ्टी होगी उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। यहाँ पे आपकी साड़ी एक बार आपको इस तरीके से ये क्लिप लगा देना है अपनी ब्लाउज़ के साथ और फिर देखिए किस तरीके से ये आपकी साड़ी को होल्ड करके रखेगी। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और इसीलिए ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको हल्का सा ना, जैसे कि हमने पीछे की तरफ हमारे हाथ जितने दूर तक गई हमने एक पिन लगा दिया, अब हल्का सा आगे की तरफ जहाँ पे आपकी ब्लाउज़ की नेक लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम एक क्लिप लगा देंगे। फिर यहाँ से हम अपनी बॉर्डर को अच्छी तरीके से घुमाएंगे पीछे की साइड से और फिर इस तरीके से कमर के पास ले आएंगे। चलिए कमर के पास की फैब्रिक को भी बिना सेफ्टी पिन के ऐसी चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी पे आप कैसे सेट कर सकते हो वो देखिए। यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी, ये देखिए कमर के पास बिल्कुल नेवल के पास ही मैं यहाँ पे इस बॉर्डर को ऐसे जॉइंट करके अपनी पेटीकोट के साथ अटैच कर रही हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पे साड़ी क्लिप लगाया है ना, इसमें मेरा साड़ी का बॉर्डर है प्लस पेटीकोट है ताकि एक अच्छी ग्रिप बने और हमारा बॉर्डर इसी तरीके से बिल्कुल सीधा आए, कहीं पे भी ये सिकुड़ेगी नहीं। और अब हमें बॉर्डर से हल्का सा आगे वाली फैब्रिक को उठाना है, उसको ट्विस्ट करना है एंड देन जहाँ पे हमने क्लिप लगाया है उसके आगे टक कर देना है। साइड साइड में ये जो हमारी प्लीट्स आई हैं लाइन बाय लाइन, इसको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। चलिए अब हमारी लास्ट बच गई है सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट बनाने के लिए हम अपनी राइट की साइड से पल्लू की लेंथ को नेवल तक रखेंगे और फिर नेवल से आगे बिल्कुल ब्लाउज़ का जो हमारा कॉर्नर वाला लाइन है वहाँ तक नापते हुए हम इस लेंथ को फोल्ड करते चलेंगे। बार बार हम यही करेंगे। ये लेंथ हमारी बिल्कुल परफेक्ट है एक परफेक्ट चौड़ाई वाली प्लीट के लिए। सेंटर प्लीट मैं कभी भी आपको पतली बनाने के लिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि इकट्ठा अगर एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक हो जाएगी तो फिर टक होने के बाद आपकी बेली के पास वो फुली हुई दिखेगी। तो इसीलिए चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाइए और इस बात पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वांटिटी में आपकी सेंटर प्लीट चाहिए। आप परफेक्शन पे ध्यान दीजिए। आपकी साड़ी अगर कम सेंटर प्लीट के साथ भी रहेगी पर अगर वो परफेक्ट रहेगी तो आप बहुत खूबसूरत दिखोगे। तो हमेशा आप परफेक्शन पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्योंकि साड़ी की ब्लाउज़ पीस भी इसके साथ अटैच है इसीलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में सेंटर प्लीट इकट्ठा होगी। तो देखिए मैं ना यहाँ पे पहले से लेकर चल रही हूँ कि डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है। हर एक प्लीट के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस हमें रखना ही रखना है। और पीछे की साइड पे तो ऐसे भी मैंने प्लीट को पकड़ ही रखा है इकट्ठा, तो अब केवल और केवल हमें अपने प्लीट की आगे वाले हिस्से को पकड़ना है। राइट के जो हमारी फर्स्ट प्लीट है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर देंगे और ये जो चौड़ाई होगी ना यहाँ पे हम वही फैब्रिक ऐड करते हैं जो कि हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टेंस नेवल तक लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटर प्लीट ऊपर तक परफेक्ट दिख रही होगी लेकिन देखिए नीचे में इसका क्या हाल है। तो मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं दूंगी। यहाँ पे देखिए नीचे की लेंथ को ना सेट करने के लिए हमें वही करना होगा जो हमने अपनी पल्लू को सेट करने के लिए किया था, यानी कि छोटा छोटा सा लेंथ ले लेकर हम यहाँ पे इसको सेट करते चलेंगे और बिल्कुल नीचे वाली ना बॉर्डर तक पहुँचेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर आपकी बॉर्डर कहीं पे मुड़ी हुई भी रहेगी तो वो भी आपकी सीधी हो जाएगी। तो ये स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जब आप लास्ट बॉर्डर तक पहुँच जाओगे तो आपको अपनी प्लीट को बिल्कुल अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ घुमा देना है और सभी प्लीट को उसी तरफ घुमाकर हाथ से प्रेस कर देना है।
तो एक चीज़ है कि यहाँ पे ना जो है इस साड़ी में मैंने फॉल नहीं लगाई है, तो इसीलिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इस साड़ी में फॉल लगी हुई होती तो प्लीट के लिए मुझे इतना मेहनत करना नहीं पड़ता। अगर आप बिगनर हो और आप चाहते हो कि कम समय में कम मेहनत के साथ आप परफेक्ट ड्रेपिंग कर पाओ, तो आप हमेशा फॉल लगी हुई साड़ी ही लीजिए। अब यहाँ पर हमारी प्लीट क्योंकि परफेक्टली सेट हो गई है, तो हम इसको अपनी बेली बटन के पास टक करेंगे और बिल्कुल जो भी इसका एंड होता है राइट की तरफ, हम उसको भी एडजस्ट करते हुए टक करेंगे। और फिर ये देखिए, हम इसको लास्ट में इस तरीके से परफेक्ट फिनिशिंग दे देंगे। अब यहाँ पे जो भी अननेसेसरी क्लिप्स मैंने लगाई थी अपनी लेंथ में, पल्लू की लेंथ में, इसको भी मैं अब रिमूव कर दूँगी क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहो तो कोई सी भी वेस्ट चेन यूज़ कर सकते हो, वेस्ट बेल्ट यूज़ कर सकते हो, एंड देन दिस इज़ योर फाइनल लुक। सो आई होप जो भी बिगनर्स हैं उनको एक परफेक्ट गाइड मिला होगा और अब वो एक परफेक्ट फिटिंग के साथ, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अपनी साड़ी को ड्रेप कर पाएंगे अकेले। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।